ये मैच हो रहा है वक्त पान मसाला खुरासों वर्सेस सजनी के बीच। बॉलर तैयारी, अच्छा मुकाबला देखने को मिल सकता है दर्शकों के लिए। चले हमसे अच्छी गेम थी, चरमे करने की कोशिश, बल्ले के अंदरूनी हिस्से में लगने के बाद चले जश बाएं हाथ को बल्लेबाज ने टॉस गेंद दी, गोल कर दिया है। बाहर रखने पड़ेगी बाएं हाथ के बल्लेबाज को आप स्टंप से। इस बार बिल्कुल बिगड़ स्टंप की गेंद को खेला है कलाइयों के साथ, खूबसूरती के साथ क्या रहा था, तमाम पॉइंट पर रेस कर चुका है। इस बार भी बल्ला जरूर घुमाया ताकि बल्ले की गेंद से गेंद रुकी नहीं चली जाएगी अच्छे जोन में। तो जय खेल करेंगे इस बार हवा में बदल के चली गई प्लेयर के जोन में और विश्वास के साथ एक खेला गया है शॉट। खेलना चाहते खेलों में कैरियर टीम को डिलीवरी होगी। इस बार शॉट देती है आवश्यक से बाहर खींच के मारा है जो पहुंची है मिडल विकेट के क्षेत्र में। अंतिम गेंद पर मिल गया सिंगल ओवर की समाप्ति। खुरासन वालों को अब यहाँ से देखना से बचे थे कहाँ तक अपनी टीम का स्कोर ले जा पाते हैं दोनों बल्लेबाज। खराब किया, अच्छी शूट के साथ शुरुआत की हराई। इस बार गेंद को उठाया है पीछे खेलने जरूर उसके नीचे बगल नहीं पहुंच पाएंगे। खा चुकी थी और शायद सूरज की रोशनी उनकी आंखों। इस बार क्या खूबसूरती के साथ शॉट लगाया, वो आगे बढ़िया शॉट कमरे में से किए गए पॉइंट रीजन। पॉइंट पर छक्का लगाना आसान नहीं होता बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। इस बार फिर खेला अभिषेक हवा में पीछे बल्ले जरूर इस बार नीचे आ रहे हैं और कैच कर लिए जाएंगे। इस तरह और इसकी इनिंग की समाप्ति होती है। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे आगे। मैं गालिब बाएं हाथ के बल्लेबाजों को जब देखता हूं तो मुझे एक बात याद आती है। बनाए 3 छक्के की मदद से, 2 छक्के और 1 चौके की मदद से। इस बार ये तो खेला है खिलाड़ी का बना है मोहम्मद रशीद ने और साइड में एक स्क्वायर के क्षेत्र में और जब तक टीम होती एक रन और मिलता हुआ। इस वक्त का मसाला खुरासन की टीम का 26 रन और पहली बार स्ट्राइक पर आए हैं मोहम्मद फैसल। 1 डाउन के बल्लेबाज पहुंचे हैं आरिस के आउट होने के बाद। चले छोटा कदमों का लड़ा, अच्छी गेंद पापुल पर जाकर ट्राई कर दिया है, स्टीयर किया है पार के क्षेत्र में गाड़ी के अंदर जब तक फील्ड होती है एक रन और मिलता हुआ। अंतिम गेंद पर मिला सिंगल, समाप्ति हो चुकी है। टोटल स्कोर बना है खुरासन टीम का 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सिक्किम चले फैसल के लिए फुल टॉस गेंद और इसको हाफ वॉली पर लिया, खेला है गेंद जाएगी बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रनों के लिए फैसल के बल्ले से निकलने वाला ये छक्का और इसी 6 रनों के साथ वक्त पान मसाला का बढ़ता हुआ स्कोर तक पहुंचा 33 रनों पर। स्वागत किया और गोल कर दिया। इस बार गेंद में परिवर्तन बदलाव वेरिएशन लाए और खेल गेंद बिल्कुल शॉर्टर लेंथ की स्टंप की जड़ में की गई। चले बाएं हाथ से लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से बॉलिंग कर रहे हैं इस वक्त के लिए। साथी खिलाड़ी अजीम का साथ देंगे और इस बार यॉर्कर लेंथ की गेंद और अंपायर का इशारा आउट। पान मसाला के कैप्टन ने टॉस जीता, उनका निर्णय कि वो पहले बल्लेबाजी करेंगे। पहले बल्लेबाजी करते हुए 2 ओवर समाप्त हुए, 3रा ओवर जारी है और इस वक्त अजीम ने जैसे ही देखा कि गेंद कदमों पर की जा रही है, खेला है गेंद लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। ह्यूज 6 लंबा छक्का। बॉलर चले लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से वाइट का सिग्नल शायद जरूर आ जाएगा, लेकिन स्टंप को छोड़ती हुई देवगांव गड़ौली के कैप्टन बेरियागंज के कैप्टन टॉस करवाने। बॉलर चले और इस बार गेंद राडार में थी अजीम के, जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। इस बार स्पाइल बाउंड्री लाइन के ऊपर से खेला गया शॉट, कदमों का किया था इस्तेमाल अजीम ने, गेंद की पिच तक पहुंचे थे और गेंद को भेज दिया स्पाइल लेग से बाहर 6 रनों के। इसी क्षेत्र में के साथ पान मसाला का हासिल करने इसको 47 रन, जीत के लिए जरूरत है 48 रनों की। जो दो टीमें इस वक्त आमने सामने हैं वो दोनों टीमें वक्त पान मसाला खुरासा और सजनी है। जीत के लिए 48 रनों की जरूरत है। बॉलर चले, अजीम अंपायर को क्रॉस किया और पहली ही गेंद को खेला है। गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रनों के लिए 1 बाउंस चौका। बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। एक बार फिर बाहर की गेंद थी और क्या कैच कर लिया जाएगा? जी नहीं, गेंद जाएगी लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। और बढ़ते हुए रनों की संख्या अभी भी है 11 रनों पर। और इस तरह खराब गेंद 3 ओवरों का मैच। अजीम चले और इस बार अच्छी गेंद, जिस गेंद को करने के लिए इस बार बिल्कुल सीधा खेला है। गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। उस तरीके के रन बन रहे हैं इस वक्त। और इस बार अच्छी गेंद थी, स्टंपों पर की गई गेंद। फील्डर वहां थे मौजूद मगर दोनों बल्लेबाजों को नहीं रोक सके 1 रन लेने से। और इसी 1 रनों के साथ रनों की संख्या जब पहुंची है 19 रनों पर। जीत और बेहतरीन रन को बटोर रहे हैं। बाहर चले अजीम, काफी ज्यादा रन खर्च कर चुके हैं इस बार। और एक और अच्छी गेंद कही जाएगी, सिंगल मिलेगा। और इसी 1 रनों के साथ रनों की संख्या जा पहुंची अब 20 रनों पर। और इसी बीच अंपायर का इशारा। अपना डिसीजन बता दे, फील्डिंग में चल रहा था डिसीजन। आसपास कला के क्षेत्र में खेला गया। खिलाड़ी ने ही कोशिश की गई मगर से बाहर निकल जाएगी 4 रनों के लिए। 24 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के साथ अच्छी गेंद, अच्छी वापसी। पैरों पे गेंद चढ़ में करने की कोशिश की। पाल के क्षेत्र में सफल होती और अब तक 25 रन बना चुकी है। इस बार मलिंगा एक्शन ने गेंद डाली थी, मोहम्मद सैफ ने, और बिल्कुल चढ़ में और उस गेंद को खोल के निकाला था। बॉलर के पास खराब किया था नुकसान पर। अच्छी खबर है सभी के लिए कि उनका कोई विकेट नहीं गिरा है। इसी बीच गेंद को ड्राइव कर दिया है। भाई दर्शक वहाँ पर बिल्कुल करीब है। दर्शक बता रहा है आउट। तकरीबन एक दर्शक बता रहा है बाहर जाए, खिलाड़ी थोड़ी माने। जब कोई इस तरह का मामला आता है सीधे बल्ले से बहुत ही शानदार स्ट्रोक सिक्किम के बल्ले से निकलता हुआ से बाहर निकलते 6 रनों पे। टीम को कोई परेशानी होने वाली होगा। शपथ भी आप पीछे मौजूद है मगर चिंता से नहीं हो पाई। किस गेंदबाज को जिम्मेदारी सौंपी जाती नहीं, कैसे आरिज होगी? बाएं हाथ के गेंदबाज और बाएं हाथ का बल्लेबाज भी होगा। अच्छा राउंडर की गेंदबाजी करेंगे। आप से रॉयल के साथ शुरुआत करती है मिस्टर आरिज। इस वक्त विकेट जाना सिक्किम के खासों से बहुत ही मुश्किल हो सकता है। काफी ज्यादा बाहर वाइड जाने का प्रयास कर रहे हैं कीपर। चले अच्छी गेंद, तेज गेंद इस बार निकली, बल्ले को चटाती हुई डिलीवरी होगी। चले राउंड विकेट, अच्छी गेंद, गोल बनाती हुई गेंद लगातार से बाहर निकलती हुई गेंद। अंपायर ने क्या सिग्नल दे दिया है, दोबारा ये गेंद करनी पड़ेगी। है इस स्ट्रगल से बचने की। अगर आप ज्यादा स्ट्रगल खर्च कर देंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी खुरासों के लिए। कदमों का इस्तेमाल किया सही तरीके से आई नहीं मगर फिर भी सिग्नल मिल जाएगा। गेंद गई थी पायलट के क्षेत्र में, अंदरूनी हिस्से पर गेंद लगी थी। एक रन और मिला हुआ इस सिग्नल की मदद से स्कोर जा पहुंचा 37 रनों पर। 11 रन की जरूरत। स्ट्राइकर बल्लेबाज का नाम गेंदबाजी करते हुए साइड को चेंज किया हुआ बल्लेबाजी करने के बाद शॉर्ट ऑफ लेग के थी मोहम्मद आरिज की। और गेंद को पूर्ण करने की कोशिश नतीजा गेंद अतिश हो गई। और हाँ है यार, जनरेटर चालू करा। हो गया था, इसलिए बाइक थोड़ी देर के लिए बंद हो गया। नामुमकिन लग रहा है सभी एक डेढ़ दशक समाप्त हो चुका है। पूरी तरह से बिल्कुल पकड़ में उक्त पान मसाला खुलासों के लिए ये मुकाबला बिल्कुल उनके जेब में जाता हुआ पॉकेट में कर लिया है। चलिए टॉप डिलीवरी और इस तरह इस मुकाबले को 9 रन से जीत लिया है खुलासों की टीम ने। बधाई हो, कांग्रेचुलेशन खुलासों की टीम। मेरी पूरी कमेटी टीम आपको बधाई देती है। फिर पावर का